हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक यम्मी डिलीशियस रेसिपी। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी स्वीट रेसिपीज खाई होंगी, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक यम्मी और क्विक बनने वाली रेसिपी। बहुत यम्मी होता है, डिलीशियस होता है, सो मैं इसे 3 कलर में बनाऊंगी, लेकिन मैं फूड कलर यूज नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सैफरन पिस्ताचू मलाई रोल। सो फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट और बना डालिए ये सैफरन पिस्ताचू मलाई रोल। कैसे बनाते हैं हम वीडियो में आपको बताएंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि ये यमी डिलीशियस रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसे बहुत जल्दी कैसे बनाया जाता है, हम आपको बहुत सारे टिप्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना यमी है, डिलीशियस है और हम इसे गार्निश कर रहे हैं पिस्ताचू रेजिन और आलमंड के साथ में। बहुत यमी है, बहुत डिलीशियस है और क्विकली बन जाता है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है, वो इंग्रेडिएंट जो आपके पास किचन में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे 3 कलर यूज करने का प्रयास किया है, वो 3 कलर जो कि हमारा राष्ट्रीय कलर है। देखें आप कितना सुंदर लगता है ये 3 कलर, जो कि अनहाइजीनिक भी नहीं है और बहुत आराम से बच्चे इसे खा सकते हैं, हेल्दी भी है। सो आप गार्निश करें तो ऐसे करें कि तीनों कलर उभर कर भी आए और अनहाइजीनिक भी ना हो। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बना डालिए ये यम्मी डिलीशियस स्वादिष्ट रेसिपी। कर दीजिए मैजिक इंग्रेडिएंट से मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ले लेते हैं दूध। यहाँ पे मैं 1 kg दूध यूज कर रही हूँ। सो हम सबसे पहले बनाएंगे स्टफिंग। तो ये स्टफिंग मावे की स्टफिंग होगी और ये मावा हम घर पे ही बनाएंगे, होममेड मावा बनाएंगे। सो ये 1 kg दूध हमने लिया है। इसको जल्दी से थिक करने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं पाउडर मिल्क। आप चाहें तो 2 kg दूध लेकर उसी को आप गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्विकली बनाना चाहें तो आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। ये हमने ले लिया है ब्रेड और इस ब्रेड को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। जब तक दूध गाढ़ा होता है तब तक हम इसको रेडी कर लेते हैं और कट करने के बाद हम इससे इस तरह से बेल लेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। तो ये हमने 5 पीस लिया है, तो 5 पीस को हम इस तरह से बेल लिया है। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं कि दूध जो है कितना बॉयल हुआ। तो देखिए, ये पाउडर मिल्क मिलाने के बाद हमने 1/2 cup पाउडर मिल्क लिया था और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। तो ये शुगर हमने 1/2 cup लिया है और इसको हमने ऐड कर लिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। शुगर मिलाने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। अब हम ऐड कर रहे हैं ड्राई कोकोनट। सो ये ड्राई कोकोनट यानी डेसिकेटेड कोकोनट हम यूज कर रहे हैं, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। सो आप चाहें तो ये फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, उसको ग्रेट कर लें। सो ये देखिए, 1/4 cup हमने ड्राई कोकोनट लिया था और उसको हमने ऐड मिक्स कर दिया और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हमें कुक करना है, बिल्कुल ड्राई करना है। तो ये 1/2 रह जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट। तो देखिए, ये गाढ़ा हो गया काफी, 1/2 रह गया, तो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे पिस्ता। तो 1/4 cup हमने पिस्ता लिया है। सो ये हम पिस्ते को भी ऐड कर लिया। अब इसको हम ड्राई करेंगे, सुखाएंगे तब तक जब तक कि मावा नहीं तैयार होता। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे फ्लेवर। तो हमने केवड़ा वाटर लिया है, आप चाहें तो रोज वाटर या इलायची भी ले सकते हैं। सो हमने केवड़ा वाटर यूज किया है। आप देखिए, काफी गाढ़ा हो चुका, बिल्कुल पानी का पोर्शन खत्म हो गया है और बहुत ड्राई हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और ड्राई करना है।
बिल्कुल सुखा देना है, मावे में कन्वर्ट होने को है ये हमारा मिक्सचर। ये देखिए गाढ़ा हो गया है काफी। तो ये वाली जो कंसिस्टेंसी है वो हमें लानी है बिल्कुल। ये देखिए गाढ़ा हो गया एकदम, पानी नहीं है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये हम डिश आउट कर लेते हैं। और अब ये जो कढ़ाई है इसी में हम अब मलाई बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे दूध लिया है, गाढ़ा दूध है। आप चाहें तो मलाई भी, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। हम इसी को थोड़ा गाढ़ा करेंगे, एकदम रबड़ी नहीं बनानी हमें, लेकिन इसे गाढ़ा करना है हमें। तो दूध की जगह मलाई भी ले सकते हैं आप। तो ये हमने तकरीबन हाफ के जी दूध लिया है और इसको हम गाढ़ा कर रहे हैं। और अब हम इसे तैयार कर लेते हैं रोल्स को। तो ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इस तरह से हम इसको रोल करके और जो हमारा ब्रेड है उसमें हम भरते हैं और उसके बाद इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से हमने खूब सारा भरा है, जो कि खाने में बहुत यमी होगा, टेस्टी होगा। तो इस तरह से ये पिस्ताचू वाला मावा हमने इस तरह से रोल कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम सारे रोल्स अपने तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पिस्ताचू वाले मावा रोल्स हमारे तैयार हो गए हैं सारे, बिल्कुल बनकर रेडी है पांचों। और इधर देखिए दूध भी काफी गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें मिला देते हैं केवड़ा वाटर और इसको मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो रोज वाटर या इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ मिला देते हैं मिल्कमेड नेस्ले का और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्कमेड हमने हाफ टिन यूज किया, आप चाहें तो जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना यूज करें। तो ये हमने मिक्स कर दिया और देखिए इतना गाढ़ा हमें चाहिए। सो हम इसको दो फ्लेवर में यूज करेंगे। अभी हम ये जो हमारा तैयार है ये हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए आधे पोर्शन में हम जो है ये हमारा जो क्रीमी मिल्क है इसको हम ऐड कर रहे हैं, आधे पोर्शन में हम ऐड कर रहे हैं। और आधे पोर्शन में हम केसर वाला क्रीमी मिल्क यूज करेंगे। तो देखिए ये आधे पोर्शन में हम अच्छे से पोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भीग जाना चाहिए इसके अंदर, क्रीम के अंदर जो मलाई रोल है हमारा ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। अब ये बाकी के जो क्रीम है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया ये केसर और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे और केसर तब तक इसमें अच्छे से घुल जाएगा। सो इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम इसे पोर कर देंगे। देखिए ये वाला पोर्शन हमने थोड़ा गाढ़ा कर दिया है और थोड़ा सा क्रीमी हो गया है और ये जब ठंडा होगा तो दोनों मिक्सचर जो है बहुत अच्छा कलर भी देगा और बहुत अच्छा स्वाद भी देगा। तो आप इसको ऐड कर दें इस तरह से हाफ पोर्शन में हमने एक फ्लेवर ऐड किया था, हाफ पोर्शन में हम दूसरा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये जो मलाई रोल है बहुत यमी लगने वाला है। आप देख रहे हैं केसर का कलर आ रहा है। हम गार्निश कर देंगे इसे किशमिश से। वन साइड हम ऑरेंज करना चाहते हैं इसलिए केसर के साथ हम ऐड कर रहे हैं किशमिश और बीच में सेंटर पे हम ऐड कर रहे हैं काजू, चॉप किए हुए काजू और चॉप किए हुए हम बादाम ऐड कर देंगे और सेकंड साइड में हम ऐड कर देंगे ये पिस्ताचू चॉप किए हुए। तो आप देखिए अंदर भी पिस्ताचू का मावा है और ऊपर से हमने केसर और पिस्ताचू से गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं तीनों कलर आपको दिख रहा होगा, व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन, और बेहद खूबसूरत है ये और स्वादिष्ट भी।